हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। इस वीडियो में आज आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि WPGWB का आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी आपको कहाँ पर जाकर के चेक करनी होती है, जो इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सो आपको क्या करने होंगे, अभी वो सारे प्रोसेस को देखने हैं, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखनी है, और कहीं भी मिस करेंगे तो आपको परेशानी होगी। पर आपको क्या करना है, अच्छा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने ब्राउज़र से। तो ब्राउज़र में आपको कोई भी ब्राउज़र से आप google.com ही बस ओपन कर देना है, जहाँ पर आपको अपना टाइप कर देना होता है WPGWB JELUT 2022 IAS पेपर। ये टाइप करने, जो मैंने टाइप कर दिया, तो आपको ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करने होंगे। जब भी आप सर्च करते हैं तो ये फर्स्ट वाला लिंक पर ही क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IAS.net इंटरनेट। अब यहाँ पर आप क्लिक करना है। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं WPGWB JELUT 2022 रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, कब बोला गया, तो फिल आप कब तक कर सकते हैं, 31 जनवरी 2022 तब तक आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। पहले तो ये जो आपके सामने फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पर अपना फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, स्टेट क्या है, कौन से सिटी है आपकी, इंटरेस्टेड कोर्स क्या है आपकी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस। फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर देनी होती है। तो इससे ये होता है ना कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आता रहेगा WPGWB के रिलेटेड। तो ओके, आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर WPGWB 2022 का क्विक लिंक्स यहाँ पर दिख जाता है। एक चीज़ है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है देहरादून में और UPS यूनिवर्सिटी में। तो इस यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं ईजिली, जो काफ़ी ईजी आपके लिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करें और एडमिशन ले लें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर स्क्रोल अप करना और यहाँ पर क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको अपनी टैब में ओपन हो जाता है WPGWB JELUT 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। 31 तक आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप न्यू टैब में ओपन होता है, ओके। आपको यहाँ पर क्लिक हियर करना पड़ेगा अप्लाई फॉर JELUT 2022, लास्ट डेट 31 जनवरी, जो भी आपको यहाँ पर टिक करना है। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप न्यू टैब में ओपन होंगे, जहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइनिंग हियर। तो एग्जामिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दे देनी होती है, पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करनी होती है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर देनी होती है, और लास्ट आपको साइनिंग पे क्लिक करनी होती है, ठीक है। तो जब आपका रजिस्टर रहेगा पहले से तो ये करना है। रजिस्टर नहीं है तो आप क्या करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। तो प्लीज़ रीड केयरफुली, केयरफुली आपको ये पूरी चीज़ें रीड करनी पड़ेगी, एंड प्रोसीड फॉर द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करनी होगी, एग्री, ओके। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट्स, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, जेंडर क्या है, जेंडर बताने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बतानी होती है, वोटर आईडी बतानी है, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होती है, ISD कोड होता है वो देनी होती है, मतलब ओके। तो ये 91 इंडिया का है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, चूज योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड एक चूज़ करना पड़ेगा, एंड कंफर्म, एंड लास्ट में आपको सिक्योरिटी पिन, कैश सेंसिटिव। तो ये क्या है सिक्योरिटी पिन, यहाँ पर देख सकते हैं 4 5 1111 एंड लास्ट में P, जो भी यहाँ पर रहेगा ना वो यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको टाइप करना और फिर सबमिट करना। ये बार बार चेंज होता है, ठीक है, एक ही नहीं रहता, हमेशा चेंज होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 4185S जो भी आप यहाँ पर देखने के बाद आपको उसे क्या करना है वो यहाँ पर टाइप करने होगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं अच्छे से, सब कुछ अच्छे से दिख रही है आपको। तो सबमिट करते हैं, चलो। डू यू विश टू सबमिट, यस। अब आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा, सब कुछ चेक करने के बाद अब फिर देखेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इनकम्प्लीट, क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट, कॉन्टैक्ट डिटेल इनकम्प्लीट, एग्जाम सेंटर डिटेल्स इनकम्प्लीट, फोटोग्राफ्स सिग्नेचर इनकम्प्लीट, फाइनल सबमिशन एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस इनकम्प्लीट, सब कुछ अभी इनकम्प्लीट, अभी उसे कम्प्लीट करते हैं।
फिल एप्लीकेशन फॉर्म, नेम फादर नेम सब कुछ फिल कर रहा हूँ, नेक्स्ट। तो पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, रिलीजन्स, कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशंस। इजी, सो ये इजी है। अरे आ नहीं रहा, कैटेगरीज कौन सी है, जनरल, ओके। ये सब कुछ करने के बाद सेव है, नेक्स्ट करना है। डू यू विश टू सबमिट, यस आई विश टू सबमिट, आपको क्लिक करना होगा। अब ये जब हो जाता है तो ओके, यहाँ पर मदर नेम भी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना मदर नेम डाल देना, ओके। अब जब इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे, जहाँ पर आपको पासिंग स्टेटस बतानी होती है कि मैं पास हो चुका हूँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी। अब यहाँ पर पासिंग ईयर बतानी होती है, कब पास किया आपने, ठीक है। तो मैं 2000 रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और बोर्ड ऑफ काउंसलिंग, यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मार्क्स का बताने होते हैं। तो डिप्लोमा आपने किया या फिर उसके बदले 12 जो भी क्या रहेगा आपने यहाँ पर बतानी होती है। उसके बाद बोर्ड ऑफ काउंसलिंग डिटेल्स देनी होती है, कौन सा बोर्ड था, बहुत सारे अलग अलग बोर्ड होते हैं। इंस्टीट्यूट एंड नेम एंड एड्रेस, इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस, पिन कोड नंबर, रिजल्ट ऑफ मोड, परसेंटेज में, मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। यस आई वांट टू सबमिट, ओके। तो ये हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आ गए हम लोग, जहाँ पे एड्रेस देनी होती है आपकी, प्रीमाइसिस नंबर, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी सिटी, सिटी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पर बतानी होती है पिन कोड नंबर देने के बाद। तो आपको यहाँ पर बताने हैं सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, टिक, ओके, मतलब फिल करने के बाद, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना, ओके। मैंने यहाँ पर सबमिट किया, एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर चूज़ करना होता है, तो प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, तो कितना मेरे पास दो स्टेट है यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अब यहाँ पर मुझे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने प्रेफरेंस, अब थर्ड का प्रेफरेंस आई कहाँ रहा, त्रिपुरा आ रहा, तो त्रिपुरा गंडा, नहीं 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 त्रिपुरा नहीं, सेम नहीं होना चाहिए, ओके। डू यू विश टू सबमिट, यस आई विश टू सबमिट। अपलोड डॉक्यूमेंट्स इमेजेस, आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स अपलोड करने पड़ते हैं जो JPG फॉर्मेट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट JPG, मिनिमम KB 20 और मैक्सिमम KB 200, तो इन दोनों के बीच में चाहिए आपको। तो आपका फोटोग्राफ्स ये हो गया, फिर सेकंड में सिग्नेचर JPG फॉर्मेट ही होना चाहिए, और यही सारे दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चूज़ फाइल करना है, यहाँ पर चूज़ फाइल करना है आपके डॉक्यूमेंट से, मतलब आपके जो फाइल है वहाँ से यहाँ पर अपलोड कर देना है, फिर सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर टिक भी करने हैं, सेल्फ वेरीफाइड पर टिक करने और ओके पे, सेवन फाइनली नेक्स्ट एंड ओके पे क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आप प्रीव्यू फाइनल सबमिशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने सबमिशन दिखा दिया आपको, यहाँ पर टिक करने और यहाँ पर फाइनल सेव पे क्लिक करना। यस, सब कुछ हो गया, पेमेंट रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर कंप्लीट, बाकी है बस पेमेंट ही करना है। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फीस टाइप पे रजिस्ट्रेशन फीस, आर यू रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ₹500, सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर टिक करने, ऑनलाइन पेमेंट, बिल्ड एक्स गेट वे, ओके। सो यहाँ पर पे फ्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करनी है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि कार्ड नंबर या फिर एक्सपायरी डेट हो चुका है, सब कुछ बता करके कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आपके पास अदर्स बैंक्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास, जिसके भी थ्रू चाहें आप उससे कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कैसे चाहते हैं। तो यही सारी प्रोसेस हैं, किसी भी प्रोसेस करने में डेफिनेटली अगर आपको डाउट वगैरह हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आपको क्लिक करके इस पेज पर आ जाना होगा और आपको ऐसा ही कंप्लीट करने होगी प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।